क्यों जाना, आज हम ब्रेड से गुलाब जामुन बनाने वाले हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ब्रेड्स लिए हैं। तो मैंने आधे ब्रेड्स के स्लाइम्स काट दिए हैं, अब इसके भी काटेंगे। तो हमारे ब्रेड के स्लाइम जो है काट चुके हैं, अब छोटे छोटे पीस में डालेंगे प्लेट में, बिल्कुल बहुत छोटे छोटे। तो हमने जो है टुकड़े कर लिए हैं, अब हमें इसमें दूध डालना है। तो हम थोड़ा थोड़ा दूध लाएंगे और इसे आटा जैसे बना देंगे। तो यहाँ पे आटा अच्छे से हो चुका है, अब हम इसे 10 मिनट के लिए रखेंगे। तो ये 10 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसे गोल करेंगे ताकि इसका शेप बना सके। तो मैंने थोड़े थोड़े पीसेस डाल दिए हैं, अब इसमें हम गोल रोटी जैसे गोल गोल करेंगे। तो ये अच्छे से गोल हो चुके हैं, अब हम इसे फ्राई करेंगे जब तक ये ब्राउन कलर नहीं हो जाता। तो हमने ये तेल में डाल चुके हैं, और जब तक ये ब्राउन कलर होता है तब तक हम इसे पकाएंगे। अब हमने उसे तेल में डाल दिया है, जब तक वो ब्राउन कलर नहीं हो जाता तब तक हम उसे तेल में ही डालेंगे। अब हमें अपने गुलाब जामुन के लिए शुगर पानी बनाना है, और हम एक पैन में पानी डाल के उस शुगर डालेंगे तो हमारा शुगर पानी तैयार हो जाएगा। तो ये है हमारा शुगर पानी बिल्कुल तैयार। अब हमें बस गुलाब जामुन को इसके अंदर डालना है, फिर हमारा गुलाब जामुन तैयार हो जाएगा। अभी तैयार हो चुके हैं, अब हमें इसे शुगर पानी में डालना है। तो ये बन गया हमारा गुलाब जामुन बिल्कुल तैयार। तो ये था ब्रेड से बहुत सिंपल सा गुलाब जामुन, आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा।